नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो प्रोसेसर होता है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ये कैसे चेक कर सकते हैं ये बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रोसेसर है उसको ओरिजिनल या डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि इंटेल की तरफ से आता है। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, प्रोसेसर टेस्ट। इंटेल का प्रोसेसर खरीदने से पहले ये टेस्ट आप जरूर कर लीजिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इंटेल के वेबसाइट पे आता है, इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसे कैसे रन करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो की लिंक मेरे इस वीडियो में मैं दे दूंगा, आप सबसे पहले इसको देख लीजिए। अब चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ इस सॉफ्टवेयर को, और आपको बताता हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरह से रन होता है और मेरे पास में जो प्रोसेसर है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सबसे पहले आपको टाइप हेयर टू सर्च में लिखना है इंटेल प्रोसेसर डायग्नोस्टिक टूल 64 बिट। अब मेरे सिस्टम में ये जो टूल है वो इंस्टॉल किया हुआ है, आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च पे लिखता हूँ इंटेल प्रोसेसर डायग्नोस्टिक टूल और यहां से इसे ओपन करता हूँ। चलिए मैं ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ। यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, यस करिए। उसके बाद में आपका ये जो प्रोसेसर टूल है तो ये चालू हो जाएगा, इस तरह का मैसेज आएगा, इसे कर दीजिए क्लोज। अब ये जो टूल है ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, इसकी एक टेस्ट होती है। और जिन्होंने इंटेल पास हो गया, ब्रांडिंग स्ट्रिंग पास हो गया, इसके ऊपर मैंने पूरा विस्तार से इसी वीडियो में दिखाया है, समझाया है कैसे यूज करना है, कैसे समझना है। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत कि मेरा जो प्रोसेसर है वो जेन्युइन है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट समरी में CPU 1 जेन्युइन इंटेल है और ये मेरा प्रोसेस में टेस्ट में पास हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बट आपको पूरा डिटेल से समझना है इस प्रोसेस को तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।